मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। मुरैना में एसपी दफ्तर पर कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक राकेश मावई के साथ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। फर्जी मतदान को लेकर कांग्रेस का प्रशासन पर बड़ा आरोप। बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा है। एसपी आशुतोष बागरी के निलंबन की मांग भी यहां पर की गई। हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन थाने में बैठाया जा रहा है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप प्रशासन पर लगाया है कांग्रेस ने। मुरैना एसपी आशुतोष बागरी के निलंबन की मांग यहां पर कांग्रेस की ओर से की गई। कहा जा रहा है कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको जबरन थाने में बैठाया जा रहा है। तो कांग्रेस विधायक राकेश मावई भी मौजूद हैं। एक बड़ा आरोप और गंभीर आरोप, फर्जी मतदान को लेकर कांग्रेस का प्रशासन पर यह आरोप है। तो आरोप गंभीर है, बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप यहां पर लगा है। तो एसपी आशुतोष बागरी के निलंबन की मांग भी यहां पर कांग्रेस ने उठाई है। तो दो तस्वीरें देखें किस तरीके से नाराजगी का इजहार यहां पर कांग्रेस कर रही है। एसपी दफ्तर पर कांग्रेस ने हंगामा किया है। पुलिस पर गंभीर आरोप, यह कहा जा रहा है कि प्रशासन उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो कांग्रेस ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया फर्जी मतदान का। एसपी आशुतोष बागरी के निलंबन की मांग, उनके सस्पेंशन की मांग भी यहां पर कांग्रेस की ओर से उठाई गई। दोनों तस्वीरें आप देखिए और समझिए क्या हाल वहां पर दफ्तर का है। तो फर्जी मतदान को लेकर कांग्रेस का प्रशासन पर बड़ा आरोप। मनोज उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, इस पूरे मामले में अब प्रशासन का क्या रवैया है, उनका क्या रुख है, क्योंकि हंगामा तो यहां पर हो रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने साफ निर्देशों में कहा है कि हम अभी जा रहे हैं, पहले हम थानों में देखेंगे कितने आए प्रत्याशी और कितने प्रत्याशी के समर्थक बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों के बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ आरोप है, इस तरफ कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर सभी दलों के प्रत्याशी जिसमें महिला प्रत्याशी भी शामिल है उनको भी थाने में बिठाया गया है। और भाजपा के सारे पर उनका साफ आरोप है कि एजेंट और प्रशासन मिलकर वहां फर्जी मतदान करवा रहा है। उनने कांग्रेस ने कम से कम 15 से 20 वार्ड ऐसे बताए हैं जिसमें फर्जी मतदान हो रहा है, सुबह फायरिंग भी हुई है, वो प्रत्याशी पति खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि जो निर्दोष हैं, जो कभी बदमाश नहीं रहे, रिकॉर्ड भी नहीं है, उन लोगों को उन्होंने थाने में बिठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा के इशारे पर पूरा काम कर रहा है, बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों सुबह से ही थाने में बिठा लिया गया है। मनोज, एक चीज और विधायक ने कहा, कांग्रेस विधायक यहाँ पर बढ़ गया, इस पर क्या बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन आया, क्योंकि प्रशासन तो मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? नहीं जी, बीजेपी अभी सामने आई नहीं है और कांग्रेस के जो विधायक हैं और जिले के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर भी थे और अन्य 100 से अधिक यहाँ कांग्रेस ही आए थे। हाँ। और जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवडिया ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं थानों पर जाकर चेक कर रहा हूँ और अगर ऐसा है तो सभी प्रत्याशियों को और समर्थकों को छुड़वाऊंगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।